हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंटरी रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और क्या होता है एलिमेंटरी रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हम सब जानते हैं कि रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। ये बेसिक है रिएक्शन का। तो अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं, जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं। मतलब ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होंगे, ये दो, तीन या फिर उससे भी ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मुझे बनाना था ए से ई, ठीक है? तो मैंने पहले ए से बनाया बी, और फिर बी से बनाया सी, और फिर सी से बनाया डी, और फिर डी से बनाया ई, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो रही है फोर्थ स्टेप, ठीक है? तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। सो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है? तो इसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के साथ, ओके? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट दिखेगा। अब क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? तो डोंट वरी, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशीज होती है जो एक स्टेप में बनती है और दूसरे में कंज्यूम हो जाती है, और जो कि ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि ए इज़ गिविंग बी, जिसमें से ए इज़ गिविंग ई, जिसमें से बी कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है, डी कैंसिल हो रहा है, और ये पूरे रिएक्शन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट कह सकते हैं, ओके? आप इसे रिएक्शन इंटरमीडिएट ही कहेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपने क्या जाना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है और उसमें उस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जो कि कंप्लीट रिएक्शन या फिर मतलब फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखता, ठीक है? मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ओवरऑल रिएक्शन अब जब लिखेंगे जो कि वन स्टेप में हम दिखाते हैं, उसमें ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं दिखता। चलिए हम कुछ रियल एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। तो मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 2N2O5, इसे डिकम्पोज करने पे ये दे देता है 4NO2+O2। अब देखने में तो लग रहा है बच्चों कि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, बट एक्चुअल में ये एक स्टेप में नहीं होती। देखिए, इसमें होता है सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है? तो इसने दे दिया NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये था फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो बचा हुआ N2O5 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो मोल हैं। अब ये N2O5 रिएक्ट हो जाता है नेसेंट ऑक्सीजन से और ये दे देता है 2NO2+O2, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो इसमें कहीं पर भी ये ऑक्सीजन नहीं अपीयर होगा, तो इसे हम कहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बन गया 2N2O5 और राइट साइड में हो गया 4NO2+O2, और ये जो था ये रिएक्शन का था सेकेंड स्टेप, ठीक है? रिएक्शन का था सेकेंड स्टेप।
अब लगे हाथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन था वो था रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये ओवरऑल रिएक्शन जो आपने लिखी है ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है? सिंपल, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, ठीक उसी प्रकार जो एलिमेंटरी रिएक्शन है वो सिर्फ एक स्टेप में होता है। सो एलिमेंटरी रिएक्शन वो होता है जो एक स्टेप में होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप है, ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमेंटरी रिएक्शन, या फिर कोई ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में हो जाए उसे हम एलिमेंटरी रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो एलिमेंटरी रिएक्शन है, एक तो ये है और दूसरा ये है, ठीक है। और लगे हाथ एलिमेंटरी रिएक्शन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिमेंटरी रिएक्शन में जनरली एक ही स्टेप होगा। जी हाँ सर, वो तो आप बता चुके हो। तो बच्चों आप अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखने जाओ एलिमेंटरी रिएक्शन की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिमेंटरी रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और उनका कभी दूसरा स्टेप नहीं होता। वो तो हम कहने के लिए कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है और उसके हर एक स्टेप को हम एलिमेंटरी मान लेते हैं। बच्चों एनिमे मैं वापस कहना चाहूँगा, हम एलिमेंटरी मान लेते हैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन हम जनरली उसे मानते हैं जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें एलिमेंटरी रिएक्शन की, तो आप कहेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो है वो एलिमेंटरी रिएक्शन में प्यारे बच्चों नहीं होता। तो सर उस हिसाब से तो ये जो आपने बताया N2O5 की ये रिएक्शन, ये तो एलिमेंटरी नहीं होगी क्योंकि इसे में नेसेंट ऑक्सीजन बना है। तो प्यारे बच्चों मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम इस रिएक्शन को एलिमेंटरी मानेंगे, इस पूरे रिएक्शन को जब हम सिर्फ एलिमेंटरी मानेंगे, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा, नहीं होगा। बट हम सब जानते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन अनस्टेबल है, नेसेंट ऑक्सीजन अनस्टेबल है, तो वो तो नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम होगा ही। तो हम इसे कहने के लिए कह देते हैं कि ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है। बट बकायदा अगर आप एलिमेंटरी रिएक्शन की बात करते हो, तो एक ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो सर क्या इसे एलिमेंटरी कहना गलत होगा? जी बिल्कुल नहीं, आप इसे एलिमेंटरी मानिए, बट आप एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिमेंटरी को भी जानिए कि एलिमेंटरी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता और वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो आप देख रहे हैं इसमें जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये टूट के दे देता है 2H2O+O2, और ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मतलब देखने में तो ये लग रहा है कि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, बट एक्चुअल में बच्चों ये एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे H2O2 ये टूट के दे देता है H2O+ नेसेंट ऑक्सीजन, फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये वापस रिएक्ट कर लेता है H2O2 से और ये दे देता है H2O+O2, और आपने देखा जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है। आप इसी को वापस लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2H2O2 इज गिविंग 2H2O+O2, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन अपीयर नहीं हुआ, तो इसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे, और इसका हर एक जो स्टेप है, ये हर एक जो स्टेप है हम उसे एलिमेंटरी मानते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ बच्चों, हम उसे एलिमेंटरी मानते हैं, जबकि मैंने आपको एलिमेंटरी रिएक्शन की डेफिनेशन बाकायदा बता दी है। दोज रिएक्शन इन विच रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, बट इसमें बन रहे हैं फिर भी हम इसे मान लेते हैं। अब जो बच्चों का होता है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है
कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हैं एंड कौन से रिएक्शन एलिमेंटरी है। बहुत तकलीफ़ होती है इसे पहचानने में। तो प्यारे बच्चों, ये एक नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट है, मतलब इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने रिएक्शन के बारे में पढ़ा है पहले किसी बुक में या आपके टीचर ने पढ़ाया है कि ये कौन सा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है और कौन सा रिएक्शन एलिमेंटरी होता है, तभी आप बता सकते हो, वरना जस्ट रिएक्शन को देख के ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो सर अगर कोई रिएक्शन आ गया एग्ज़ाम में तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है या कौन सा एलिमेंटरी है? तो डोंट वरी बच्चों, क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है। अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो या अच्छी कोचिंग में जाते हो तो आपको ज़रूर बता देंगे, और उन एग्जांपल्स को आप याद रखिएगा और श्योरली आपको क्लियर हो जाएगा कौन से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैं होते हैं और कौन से एलिमेंटरी रिएक्शन होते हैं। या फिर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते रहिए, हम इस पर ज़रूर आगे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है।